सर क्या ये सही है कि फेरबदल में भारत सरकार ने ये मान लिया है कि दो सालों में उनकी पहली पारी में कई मोर्चों पर मोदी सरकार विफल रही है एप्सलूटली राइट right. और मैं पहले जैसे मैंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो फीडबैक सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है आई थिंक ही इज़ ओनली प्राइम मिनिस्टर और मैन इन पावर जो आंखों में पट्टी नहीं बांधते जो सरकारी एजेंसी पर डिपेंड नहीं करते जिनके खुद के सोर्सेज हैं खुद की एजेंसीज हैं और उस फीडबैक को पॉजिटिव ढंग से लेते हैं तो इनको जो फीडबैक मिला कि हमारा जो पहला चरण था दो का चाहे वो कोविड के कारण से हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के इश्यूज़ को लेकर के हो चाहे वो आई के टकराव को लेकर हो ठीक है वो किसी न किसी कारण से विफल रहा है एक बड़े पैमाने पे चाहे प्रवासियों का मामला हो कोविड के अंदर आने जाने का मामला हो इस सत्यता को उन्होंने स्वीकारा तो ये जो मंत्रिमंडल फेयर बदल है इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन एडमिशन ऑफ फेलर ऑफ़ द गवर्नमेंट इन इट्स फर्स्ट टेनअर ऑफ़ टू इयर्स तो वो अब क्या है उसको माना उन्होंने उस सुधार के लिए उन्होंने अभी सारा नया जाजम बिछाई है नया गणित बनाया है नया अर्थमेटिक बनाया है और उनको आशा है कि अगर हमने गलतियाँ की हैं पहले कमियाँ रही हैं तो इस बार हम उनको दूर करेंगे अच्छी बात है अच्छा प्रयास